Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear student, this is me Asif, this is your economics teacher. Hope you are all good and your family as well. Dear students, hum kuch dino se leke chale hain decomposition of price effect. And this is, as you know better, this is the further decomposed into two effect, like income effect and the substitution effect. First video mein humne dekha tha ke hum jo iska price effect in the case of normal good tha, wo humne discuss kiya tha last time. Usko thoda sa रिव्यू करने की एक सेकंड में कोशिश करूंगा कि हमने देखा था कि जो हमारी नॉर्मल गुड्स होती हैं वो गुड्स होती हैं जिनमें हमारा प्राइस इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है. इवन हमारी जब इनकम बढ़ती है जिससे हमारी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जिससे हम उसकी ज़्यादा क्वान्टिटी परचेज़ करने की कोशिश करते हैं. लाइक ऐसा होता है कि जब कोई प्रोडक्ट किसी मार्केट में जब उसकी प्राइस कम होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे ले कर स्टॉक करके रख लें ताकि इनके सब जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो हम उसे यूज़ कर लेंगे. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं और उसको ज़्यादा परचेज़ करने की कोशिश करते हैं. इन दैट केस जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई थी तो हमारी बजट लाइन इंक्रीज़ कर गई थी फ्रॉम दैट गुड. लाइक एक्स हमने किया था जिससे हमारे पास नेक्स्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया था. बेसिकली ये हम क्या देख रहे हैं, द चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर देख रहे हैं. आई एम जस्ट स्टडिंग द फैक्टर्स विच आर वर्किंग बिहाइंड द डिमांड. जो फैक्टर्स डिमांड के बिहाइंड वर्क कर रहे होते हैं जिससे कोई भी कंज्यूमर या किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है आफ्टर दैट इफेक्ट्स जो चेंज होता रहता है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ सम गुड्स विच वी आर यूज इन द सोसाइटी. सो यहाँ पे हमने नॉर्मल गुड्स का देखा था कि जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ होती है तो हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ होने से हम उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया था, दैट इज़ ऑलवेज़ इन ऑल केस ऑफ दैट गुड्स वो नेगेटिव ही होता है, लेकिन इनकम जो था इन केस ऑफ नॉर्मल गुड वो भी हमारे पास नेगेटिव आया था. दैट्स वाई नॉर्मल गुड्स के हम उसको ज़्यादा परचेज़ करके रख लेते हैं. इसमें हमने ये मूवमेंट की बात की थी. मूवमेंट में हमने देखा था कि वो एक ही डायरेक्शन में उसका इक्विलिब्रियम जो है मूव कर रहा है फ्रॉम E1 टू E3 टू E2. यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा तो X1 टू X2 एक ही मूव डायरेक्शन पर मूव कर रहा था, और जब हमने उसका इनकम इफेक्ट देखा तो वो भी नेक्स्ट जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ एक आप हमने एक बात मिस की थी कि यहाँ X1 से X3 तक जो हमारे पास आया है ये कंबाइन प्राइस इफेक्ट, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब इन दोनों का कम्बिनेशन हम लेते हैं प्राइस इफेक्ट का, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, इनको कम्बाइन करते हैं तो देन हमारे पास जो है वो प्राइस इफेक्ट आ जाता है. तो यहाँ पे देखें, जब हम X1, X2 और X3 को जब कंबाइन इफेक्ट दोनों को देखेंगे तो वो प्राइस इफेक्ट आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो यहाँ तक इसे लीव करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं जहाँ हमारे पास इन्फीरियर गुड केस है. इन्फीरियर गुड केस में फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपके लोगों की ईज़ के लिए ये किया था कि कुछ चीज़ें मैंने ईजी बनाने के लिए तीनों इनके सब थ्री प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ चीज़ें सेम बनाई हैं. लाइक कि जब हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ होती है तो हमारी बजट लाइन जो है वो मूव कर जाती है. जैसे कि यहाँ पे इन्फीरियर गुड है तो इन्फीरियर गुड के केस में हमारे पास BL जो था वो बजट लाइन थी, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ होने की वजह से BL2 जो है नेक्स्ट बजट लाइन आ गई है. सो हमारे पास इसके कंपेरेटिवली, जैसा कि हमने नॉर्मल गुड में किया था कि जो हमारी बजट लाइन आती है नेक्स्ट, उसके कंपनसेटिंग बजट लाइन हम नेक्स्ट ड्रा करते हैं जिससे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है. कंपनसेटिंग बजट लाइन इसके लिए कहते हैं कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो हम इस तरह करते हैं कि जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें से भी थोड़े से पैसे बचा के हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके रख लें जो जिसकी प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, और कल को चूँकि इंक्रीज़ भी होंगी तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो है हम परचेज़ करके ज़्यादा रख लें और हम दूसरी उसके जो कंपेरेटिवली सब्स्टिट्यूट गुड ली होती है उसकी उसकी जो परचेजिंग है वो हम कम कर देते हैं. एज़ यू सी बाय दिस डायग्राम कि हमने बी से नीचे हमने B- पे कंपनसेटिंग आई हमारे पास, और यहाँ पे आप देख लें कि Y1 से हमने नीचे इसको कम करके Y2 पे दिया, तो ये हमारे पास एक कंपनसेटिंग बजट लाइन आती है जिससे हम
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखते हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। तो यहाँ तक तो तीनों केस तीनों गुड्स के केस में सेम ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बाद जब इनकम इफेक्ट को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो कीप इन माइंड इनकम इफेक्ट में हमारे पास क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी जब माइंड में आती है तो हम फिर प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कौन सी है। लेकिन यहाँ पे इनके सब इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जिसमें जिसकी प्राइस के कम होने से हम उसकी क्वांटिटी जो पहले परचेज़ कर रहे होते हैं वो भी कम कर देते हैं क्योंकि हम किसी अल्टरनेटिव के पास चले जाते हैं। ये वो प्रोडक्ट होती हैं जिस पे मतलब कि हमारी रियल इनकम के इंक्रीज़ होने से हम उसकी डिमांड को डिक्रीज़ कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीज़ के। यहाँ पे जब हम इनकम इफ़ेक्ट को देखने के लिए आए तो हमने देखा कि गुड तो है वो तो इन्फीरियर है, देन हम क्या करेंगे कि इसको ज़्यादा परचेज़ नहीं करेंगे बल्कि जैसा कि हमने इसमें ये इसका परपेंडिकुलर लिया था, परपेंडिकुलर लेने के बाद इधर हमने देखा था इन केस ऑफ नॉर्मल गुड यहाँ, लेकिन यहाँ पे यहाँ हम इसकी क्योंकि पहले जितनी परचेज़ कर रहे हैं उससे कम कर देंगे तो यहाँ इसके दरमियान में कोई एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो ये इंटरसेक्ट करेगा आईसी को। आईसी मैं पहले बता चुका हूँ कि आईसी क्या होता है, कि एक कम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट होता है। उन प्रोडक्ट्स दो कम्बिनेशन के प्रोडक्ट पे हम मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन बनाते हैं जिन पे हम हमें हर एक कम्बिनेशन पे हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। तो दैट्स कॉल्ड आईसी इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व पे कहीं यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉइंट आया जिससे हमारे पास नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट आया X3 हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था कि ये सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और जब हम इसकी मूवमेंट वापस आ गई तो हमने इसको वापस आते हुए देखा कि यहाँ से इक्विलिब्रियम जब वापस यहाँ पे आया इक्विलिब्रियम टू की तरफ तो ये हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट आया बिकॉज ऑफ ऑल इनकम इफ़ेक्ट। तो यहाँ देखें जैसे कि मैंने मूवमेंट की बात की थी, मूवमेंट में देखें आप पहले इस तरह मूव करते हैं जैसा कि X1 से या इक्विलिब्रियम 1 से इक्विलिब्रियम 2 पे मूव करते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट आता है। लेकिन जब इसको हम इनकम इफ़ेक्ट देखते हैं तो इन्फीरियर गुड केस में हम उसकी क्वांटिटी चूँकि कम कर देते हैं तो ये हमारी मूवमेंट वापस आ जाती है इन केस ऑफ इनकम इफ़ेक्ट में। तो ये इनकम इफ़ेक्ट में जब कोई चीज़ एक बढ़ रही हो तो कम हो रही हो तो इनकम इफ़ेक्ट डेफिनेटली जब इसमें देखें कि हमारे पास अब इन इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इन ऑल केसेस हमारे पास क्या आता है कि नेगेटिव ही होता है। जब प्राइस इफेक्ट्स डिक्रीज़ हुई रियल इनकम इंक्रीज़ हुई, रियल इनकम इंक्रीज़ होने से हमारे पास क्या आ गया जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डेफिनेटली इन अदर केसेस तो इंक्रीज़ होती है लेकिन यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स में हमने डिक्रीज़ कर दी जिससे उसकी क्वान्टिटी हमने डिक्रीज़ परचेज। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो इंक्रीज़ होगी और ये क्वांटिटी भी हम इंक्रीज़ कर लेंगे जैसे कि हमने X1 से X2 की तरफ हम गए थे। तो ये नेगेटिव इफेक्ट आता है इन ऑल केसेस। लेकिन जब इनकम इफेक्ट को हम देखते हैं इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड तो हम क्या करते हैं प्राइस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज़ होती है जिससे हमारी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है लेकिन हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं बिकॉज ऑफ इन्फीरियर गुड के इन्फीरियर गुड में हम उसकी क्वांटिटी कम परचेज़ करते हैं जिससे ये हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट आ गया। सपोज़ हमारी प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है अब क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो गया। जब दोनों वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहे हों या इंक्रीज़ हो रहे हों इन सेम डायरेक्शन तो हम उसको क्या कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ इनकम इफेक्ट हमारे पास पॉजिटिव आ गया जब और फिर ये जो हमारे पास बचा यहाँ पर हम इसको फिर ले लेते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट देखें हमारे पास यहाँ से हम इसको वापस मूव करते हैं। जब प्राइस इफेक्ट तो ईजीली है कि देखें जब हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी हम डेफिनेटली उसकी इंक्रीज़ करते हैं तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप के साथ आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फीरियर गुड। हम नेक्स्ट वीडियो में तीनों प्रोडक्ट्स को कंबाइन स्टडी करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या आता है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फीरियर गुड प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड।